हेलो पाइथन प्रोग्रामर्स। तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि गिटहब पर कैसे प्रोजेक्ट को डालेंगे। उसमें हमने कमिट नहीं करवाया था, यानी जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था उसको हमने गिटहब पर नहीं डाला था, ठीक है। तो वो हम देखेंगे, लेकिन हमने ये देख लिया था कि हम उसको यूज कैसे करेंगे। साथ ही साथ हमने देखा था वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते कि हमने जो अपना प्रोजेक्ट बना लिया था उसका आउटपुट कैसा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वो कोड है। मैं इसको रन करा देता हूँ क्योंकि हमें आउटपुट देखना है कि हमने लास्ट वीडियो में कहाँ तक बना लिया था। तो देखिए, ये हमने बना लिया था और इसमें अभी कुछ नहीं होएगा क्योंकि ये हमने केवल फ्रंट एंड डिजाइन कर लिया था। ये मैं VS कोड में कोडिंग कर रहा हूँ। तो ये देखिए आप कि यहाँ पर 566 यानी 566 इसमें कमिट होने बाकी हैं, यानी इसमें जो चेंजेस हुए वो इतने हो चुके हैं और अभी तक हमने इसको कमिट नहीं किया। तो ये लास्ट वीडियो में हमें करना चाहिए था कि इसको कमिट ही करना था हमें। कमिट का मतलब ये होता है कि अब ये प्रोजेक्ट जिस पोजीशन पर है हमें अब इसे सेव करना अपने गिटहब पर, यानी हमें अपने गिटहब सॉफ्टवेयर को ही बताना पड़ेगा कि हमने इस फाइल में ये चेंज किया, इस फाइल का जो ये चेंज है इसको सेव करके रख लो, ये मतलब होता है कमिट का। तो मैं अपना सॉफ्टवेयर खोलूँगा, मैंने इसको बंद कर दिया। मैं ये देखिए गिटहब डेस्कटॉप मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है। अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो आप क्या करना, अपने क्रोम ब्राउजर में जाना और वहाँ पर desktop.github.com टाइप करना और एंटर करना, आपको ये विंडो खुलेगी और इस सॉफ्टवेयर को वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड हो जाने के बाद आपका सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से खुलेगा। यहाँ सबसे पहले आपको साइन इन करने के लिए बोलेगा, आप साइन इन कर लेना। और साइन इन करने से पहले आपको ऑब्वियसली अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, और अकाउंट आप बनाओगे github.com पर जाकर। ये देखिए github.com, वहाँ आप अकाउंट बनाना ना अपना, ठीक है। अकाउंट जब आपका पूरा बन जाएगा उसके बाद इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना, और डाउनलोड करने के बाद ये सॉफ्टवेयर पे साइन अप करना, ठीक है। आपका साइन अप हो जाएगा, उसके बाद वहाँ पर जाना, आपको रिपोजिटरी बनानी होगी, क्रिएट न्यू रिपोजिटरी। ये मैंने लास्ट वीडियो से यहाँ से आपको बता दिया है कि किस तरह से बनेंगे, ठीक है। तो अभी मैं अगर अपना गिटहब खोलूँगा, मैं अपना गिटहब खोलता हूँ, तो देखिए मेरा गिटहब अकाउंट है। इसमें मैं रिपोजिटरी वाले पर जाता हूँ, तो मेरी 19 रिपोजिटरी जिसमें से मैंने लास्ट वीडियो में बनाई थी और आपको दिखाई भी थी, QR कोड जनरेटर यूजिंग पाइथन। अब मैं इस पर करता हूँ क्लिक, तो देखिए इसमें दो फाइल हैं, गिट एट्रीब्यूट्स और रेडमी, ठीक है, readme.mt। अब जो मैंने फाइल बनाई थी अपनी, क्योंकि ये दिखा किसको रहा, ये इसको दिखा रहा है, मैं आपको दिखाऊँ, ये दो फाइल को दिखा रहा है, ये इस गिट रिपोजिटरी की बात कर रहा है, ठीक है। और ये QR कोड फोल्डर है, इसके अंदर हमारा एक ये फोल्डर है जिसमें जो हमारी मेन प्रोजेक्ट है, main.py और icon.png, तो हमारी फाइल हैं। बाकी वर्चुअल इन्वायरमेंट के कुछ फोल्डर और फाइल हैं, ये नहीं दिखा रहा। तो इसके लिए हमें कमिट करना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपसे बताया था एक मिनट पहले, कि कमिट करने का मतलब होता है कि इस पोजीशन पर इस प्रोजेक्ट को सेव कर दो। तो ये कहते हैं कमिट करना। और देखिए यहाँ पर, क्योंकि हम उसी डायरेक्टरी में QR कोड जनरेटर यूजिंग पाइथन जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाई थी, ठीक है। तो ये देख रहे हो, ये जो आपको चेक दिख रहे हैं ये वो हैं जो चेंजेस हुए हैं फाइल में। तो ये हमें बता रहा है, मैं किसी पे क्लिक करता हूँ तो देखिए सब हमें बता रहा है कि क्या क्या चेंज हुए हैं, ठीक है। ये कुछ VS कोड भी जनरेट करता है कोड, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारी फाइल है वो भी इनमें से कहीं है जो हमें दिखा देगी कि हमारी फाइल में भी चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो ये वर्चुअल इन्वायरमेंट जो फाइल बनी है वो फाइल होती है, ठीक है। उसमें क्योंकि फाइल बनी है, पाइथन कोड बने, उसको हमने कमिट तो किया नहीं, इसलिए हमें इतने सारे दिखा रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए समरी है, यहाँ पर हम कमिट लिखेंगे। तो कमिट हम लिखते हैं कि हमने फ्रंट एंड डिजाइन कर लिया, तो हम इसमें ऐसा लिख देंगे कि फ्रंट एंड कंप्लीट। आप कुछ ही लिख सकते हो जो आपको लिखना, और सही ही लिखिए आप बिल्कुल, क्योंकि इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया और प्रोजेक्ट बनाने के बाद अगर आप कुछ कमिट कर दिया, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाया उसके बाद कमिट भी कर दिया, कंप्लीट कर दिया, यानी इस पोजीशन पे प्रोजेक्ट को सेव भी कर दिया, उसके बाद आपने कुछ उस प्रोजेक्ट में चेंज किया, ठीक है, चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद फिर से कमिट कर दिया, ठीक है, कोई नहीं। लेकिन होता क्या है, जो आपने चेंज किया कुछ दिनों बाद आपको लगता है नहीं वो चेंजेस नहीं करना, हमें पीछे जाना है, तो वो पीछे आप कैसे जाओगे, गिटहब में उस चीज़ को बोलते हैं रोल बैक करना।
तो वो आप इस कमिट के थ्रू ही जा पाओगे कि आप वहाँ पर बोलोगे कि मुझे इस कमिट पर जाना, तो आप जा पाओगे। तो ये पूरा गेटअप का एक डिस्कशन करने का एक टॉपिक है। तो जिन लोगों को ये पता है उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता तो उनको वहाँ पर थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैं यहाँ पर एक कमिट कर रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन पर भी डाल देता हूँ, कंप्लीट फ्रंट एंड डिजाइन। और मैं इसको कमिट टू मास्टर कर दे रहा हूँ। मास्टर ये ब्रांच होती है, हम इसमें और भी ब्रांच बना सकते हैं। तो आप प्लीज़ इसके बारे में पढ़िए थोड़ा। तो ये देखिए ना, कमिट हो रहा और ये मेरा कमिट यहाँ पर हो चुका है। अब ये जो कमिट हुआ मेरे लोकल सिस्टम पर हुआ, क्योंकि ये जो फाइलें सारी मेरे लोकल सिस्टम पर हैं। गिट वाली मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको बैक करता हूँ। तो ये देख रहे हो ये, और ये जो फोल्डर है ना, इसमें वो सारा ब्यौरा लिखा हुआ है कि कब कब मैंने क्या कमेंट किए, ठीक है, कमिट किए, वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो ये मेरे लोकल सिस्टम पर हुआ, लेकिन मुझे अपनी गिटअप रिपोजिटरी पे करने हैं सारे सेव। कमिट का मतलब यही होता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट अब जिस पोजीशन पर है, उस पोजीशन पर हम उसको सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा लोकल सिस्टम पर हुआ, अब मुझे यहाँ पर करना है इसको सेव। क्योंकि अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा अभी यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो फ़र्क जो सेव हुआ वो एक्सेप्ट हुए मेरे लोकल सिस्टम पर। अब मैं चाहता हूँ वो जो चेंजेस हुए, जो कमिट हुए, मेरे लाइव सर्वर पर भी हो जाए, यानी यहाँ पर गिटअप पर, ठीक है। तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, देख रहा पुश ओरिजिन, पुल और पुश दो रिक्वेस्ट होते हैं गिटअप में। तो मुझे पुश करना है, तो पुश ओरिजिन मैं इसको कर दूंगा क्लिक। तो देखिए यहाँ पर पुशिंग होना स्टार्ट हो गया, तो पुशिंग टू ओरिजिन अब देखिए हो रही है 97 98। तो देखिए पूरी पुश जब ये हो जाएगी, उसके बाद मैं अपने ब्राउजर पर जाकर पेज रिफ्रेश करूंगा, तो ये मेरी सारी पाइथन की फाइल सब कुछ वर्जन सब कुछ जैसा मेरे लोकल सिस्टम पर पड़ा हुआ है सब मेरा गिटअप पर आ जाएगा, मेरे अकाउंट पर। तो इस तरह से हम प्रोजेक्ट को अपने गिटअप पर डालते हैं। तो देखिए आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर ये गिटअप नहीं आते तो आप सीखें, अगर नहीं पता इस चीज़ के बारे में तो आप इस पोर्शन को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए सभी को, ठीक है। तो आप इस पोर्शन को स्किप कर सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको नहीं आए समझ में, क्योंकि मैं भी मानता हूँ कि ये एक अलग से बताने का टॉपिक है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, क्योंकि एक प्रोजेक्ट को इस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पुशिंग हो रही है, मैं इसको वीडियो को पॉज कर देता हूँ थोड़ी देर को। तो देखिए पुश हो गया है, अब मैं क्या करता हूँ इसको क्लोज कर देता हूँ वहाँ से, ठीक है। यानी हुआ क्या है, ये जो QR कोड जनरेट यूजिंग पाइथन ये सब ही कुछ उठ के मेरे गिटअप सर्वर पर चला गया। अब मैं देखना चाहता हूँ अपने गिटअप सर्वर को। तो देखिए अभी तो यहाँ पर दो फाइल हैं, अब मैं करता हूँ इसको रिलोड। मैंने किया इसको रिलोड, अब देखिए QR कोड आ गया, देखिए आ गया, और ये देखिए सारी चीज़ आ गई, मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट की भी आ गई, QR कोड जनरेटर जो फोल्डर बनाया था इसमें हमारी main.py भी आ गई। तो इस तरह से अपना प्रोजेक्ट हम गिटअप पर डालेंगे, ठीक है। यही वो कोड आ गया जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। तो ये आपने सीखा होगा, देखिए आपको नॉलेज तो कुछ ना कुछ मिली होगी किस तरह से डालते हैं। तो आप इसको ट्राई करें, डालें और गिटअप के बारे में सीखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम में। तो देखिए हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर डल गया, ठीक है। और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और अपने VS कोड में खोल लेता हूँ इस कोड को, QR कोड जनरेटर। तो आज भी हम कुछ बनाएंगे, देखते हैं क्या बनाएंगे। तो ओपन विद कोड में अपनी पाइथन की यही फाइल खोल लेता हूँ। तो ये हमने कमिट बना दिए, जिसका मतलब है हमने अपना जो प्रोजेक्ट था जिस पोजिशन में हमने लास्ट वीडियो में ख़त्म किया था उस पोजिशन तक हमने कमिट करके गिटअप पर डाल दिया। इसको वही रन कराता हूँ तो वही विंडो आएगी जो अभी हमने देखी थी, ये देखिए वही विंडो आ रही है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो अब हम बनाएंगे इसका बैकएंड, ठीक है। थोड़ा सा हम इसका बैकएंड भी बना लेते हैं, लेकिन बैकएंड बनाने से पहले उस वर्चुअल एनवायरनमेंट का क्या हुआ जो मैंने बनाया था, तो पहले इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। देखिए लोकल सिस्टम में जो पाइथन पड़ी हुई है उससे हो रहा है, लेकिन मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट से इसको रन करूँगा। तो मैं पहले तो बैक जाऊँगा क्योंकि स्क्रिप्ट फोल्डर इसके एक पीछे है, तो CD:// लगा के मैंने एंटर किया, तो ये बैक चला गया। मैं इसको CLS कर देता हूँ, ये क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ से मैं CD करके स्क्रिप्ट नाम के फोल्डर पे जाना चाह रहा हूँ, टैप किया तो ऑटो कंप्लीट हो गया। स्क्रिप्ट पे जाके मैं एक्टिवेट पर जाऊँगा, ये कंप्लीट हो गया, टैप दबा के कंप्लीट हो जाता है। अगर आप दो तीन करेक्टर लिखोगे ना ACT उसके बाद टैप दबा दीजिए, तो इन करेक्टर से जो भी एक यूनिक नाम होगा वो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्टिवेट पे गया, मैंने क्लिक कर दिया तो एक्टिवेट हो गया, और इसका सबूत है कि यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट में QR कोड लिखकर आ गया फोल्डर का नाम। तो मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, अब मैं करा सकता हूँ इसको रन, ठीक है। मैं F5 करता हूँ,
तो देखिए रन नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ? ये तो है हमारे डायरेक्टरी में, क्लियर करता हूँ। मैं लिखता हूँ पाए मेन डॉट पी वाई, कैन नॉट ओपन मेन डॉट पी वाई। अच्छा अच्छा समझ गया, अभी तो हम उसमें है ना स्क्रिप्ट नाम की डायरेक्टरी में। ये देखिए मुझे इस डायरेक्टरी में आना, तो मैं करता हूँ cd दोवा डॉट, उसके बाद मैं आगे QR कोड में ना से मैं जाऊँगा अपने इस वाले QR कोड जनरेटर, तो cd स्पेस QR कोड, QR कोड जनरेटर, एंटर किया तो देखिए मैं आ गया उस फोल्डर में। अब मैं CLS करता हूँ, ठीक है, अब मैं रन कराऊँगा, अब रन हो जाएगा, अब मैं कराता हूँ इसको रन, तो देखिए अब रन हो गया, ठीक है। तो वो पाथ की दिक्कत हो गई थी, मैं दूसरे फोल्डर में था, तो देखिए रन हो गया। अब मैं इसमें ये करने वाला हूँ कि ये जो एंट्री है अभी मैं क्लिक करता हूँ, तो इसका जो डेटा है वो हमें यहाँ पर दिखना चाहिए कम से कम, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे आएगा वो हम देखते हैं, क्योंकि मैं क्लिक हेयर कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा। तो ये जो बटन क्लिक हो रहा है इस पर हम एक फंक्शनैलिटी को बाइंड करेंगे, ये रहा बटन जो फंक्शन है हमारा, एक कमांड नाम का यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है, और ये अपने लास्ट वीडियो में भी हम मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर मैं लिख दूँगा क्लिक, ठीक है, क्लिक नाम से बना देता हूँ फंक्शन, और नहीं पर मैं इसको या अपर में डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पर डिफाइन क्लिक। क्या करना है हमें, मुझे यहाँ पर वेरिएबल बनाना होगा एक, जिससे मैं एंट्री ले लूँ। तो मैं यहाँ पर एक डेटा नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, ऊपर ही बना लेता हूँ, इसको मैं डिक्लेयर करता हूँ एक क्लास से स्ट्रिंग वेयर। तो ये बेसिकली हो ये रहा है कि स्ट्रिंग वेयर नाम की क्लास है और उसने बनाया ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो डेटा नाम के वेरिएबल में पास हो रहा है। तो टेक्निकली यही हो रहा है और ये सबको पता, ठीक है। तो डेटा नाम का जो ये ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल है, जिस जो पॉइंट करा स्ट्रिंग वेयर नाम के एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और एंट्री में मैं यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है टेक्स्ट वेरिएबल, वेरिएबल इसमें से डाल देता हूँ मैं डेटा को, ठीक है। इतना आपको करना पड़ेगा, उसके बाद डेटा डॉट गेट, यानी डेटा में जो भी है उसको गेट कर लो, और डेटा एंट्री से आएगा, और एंट्री में जो हम टाइप करेंगे, और टाइप करेंगे तो ये फंक्शनल बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन चल जाएगा, तो इस तरह से वर्क होगा। तो देखिए ये तरीका होता है किसी भी तरह के डेटा को गेट करने का। इसको मैं प्रिंट में स्टेटमेंट में डाल देता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने इसको डाल दिया, ठीक है। और अब मैं क्लिक करूँगा जैसे बटन पे, और एंट्री में जो डेटा होगा वो आ जाएगा। तो ये तरीका है एंट्री से डेटा लेने का। अब मैंने किया क्लिक, अब मैं अपना नाम डालता हूँ गगन, क्लिक हेयर, तो देखिए गगन प्रिंट हो रहा, देख लो नीचे, मैं जितनी बार करूँगा गगन प्रिंट हो रहा। तो इस तरह से डेटा हम ला सकते हैं, और मुझे क्लियर भी करना, मैं इसको दोबारा रन कराता हूँ, अब मैं इसको करता हूँ क्लियर, तो देखिए क्लियर नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ जैसे ही इस पर क्लिक हो वैसे जो भी डेटा लिखा हो क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी तो नहीं हो रहा, तो इसको भी हम पहले कर देते हैं। तो हम करेंगे क्लियर बटन की फंक्शनैलिटी, तो देखिए बटन क्लियर ये रहा, तो वहाँ पे भी हम एक फंक्शन को चला देते हैं। तो लिखेंगे कमांड, जैसे हमने ऊपर लिखा था अभी, कमांड क्लियर, क्लियर नाम के फंक्शन को हम डिफाइन कर देते हैं, तो इसी के नीचे कर देते हैं डिफाइन क्लियर। अब पाइथन में फंक्शन कैसे बनाते हैं वो इसी तरह से बनाते हैं। अब मैं इसको क्लियर करना है तो मैं लिखूँगा जो डेटा है, क्योंकि डेटा नाम के वेरिएबल उस एंट्री में, इसमें सेट कर दो, क्या सेट कर दो, ब्लैंक, ठीक है। इसमें आप जो भी लिखोगे वो सेट हो जाएगा, मैंने अपना नाम मैं लिख देता हूँ इसमें, कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेट हो जाएगा, जैसे अब मैं क्लियर पे क्लिक करूँगा, मैं करता हूँ रन, अब मैं करता हूँ क्लियर, तो देखिए सेट हो गया। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ब्लैंक हो जा, मैं कर दूँगा नाम ब्लैंक, ठीक है। तो ये ट्रिक है क्लियर करने की। अब मैं कुछ एंटर कर रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया, उसके बाद उसी डेटा को मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हमने बैकएंड देखा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट QR कोड का प्रोजेक्ट देखेंगे, यानी इस डेटा से QR कोड कैसे जनरेट होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और ये जो हमने कमिट किए हैं, मतलब ये जो चेंजेस करें, हम इसको भी कमिट कर देते हैं अपनी फाइल में, ठीक है।
तो मैं इसको कर देता हूँ बंद। तो देखिए दो आ रहे हैं अपने यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि गेटअप में बाय डिफॉल्ट होता है इस तरह का डिबगर। अब मैं जाता हूँ गेटअप डेस्कटॉप पर और मैं जाता हूँ अपने। तो देखिए आप ये पोर्शन स्किप भी कर सकते हो जिसको गेटअप नहीं आता, लेकिन हाईली रिकमेंडेड मैं करूँगा कि आप गेटअप को सीखिए। तो QR कोड फोल्डर में मैं गया, ठीक है, तो देखिए अभी ये यहाँ से ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगा। मैं आपको पहले फाइल दिखा देता हूँ, QR कोड जनरेटर, यह फोल्डर हमने बनाया था और इस फोल्डर के अंदर हमने बनाई है main.py। इसको मैं खोल देता हूँ और इसमें देखिए आप, अभी इसमें कुछ वो नहीं है जो मैंने क्लियर और चेक बटन डिफाइन किए थे, ना वो डेटा वेरिएबल और ना इस एंट्री में डेटा नाम का कोई टेक्स्ट वेरिएबल है, क्योंकि ये अभी पुराना है, जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था उसका कमिट हुआ हुआ है, ठीक है। या मैं इसको खोल देता हूँ अभी, ठीक है, तो अभी वो हुआ हुआ है, ठीक है, जो अभी मैंने चेंजेस करे वो नहीं है, तब वो आएंगे। देखो तो देखिए main.py में देखो ये आ रहे हैं चेंज, ये लिखी भी आ रही है और क्या क्या चेंज हुए हैं देखिए, यहाँ भी देखिए, देखिए ब्लू है तो देखिए यहाँ पर प्लस वाई टेक्स्ट वेरिएबल ये सब दिखा रहा है, ये दोनों चीज़ें हमारी ऐड हुई है। एंट्री में दिखा रहा है देखिए ये थी पहले और प्लस, देखिए प्लस का साइन अगर आपको दिख रहा होगा ये ऐड हो गई, यानी पहले ये थी फिर ऐड हुई, जो रेड वाला वो पहले ये थी लाइन बाद में ये कर दी गई। तो हमें सब चीज़ दिखा रहा है, तो कहेंगे हाँ ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बैक एंड कंप्लीट, ठीक है, ऐसा लिख देंगे। तो आप जैसे मैंने इससे पहले कमिट लिखा था जिसपे मैंने लिखा था कि फ्रंट एंड डिजाइन कंप्लीट, जो अभी लिखा था फ्रंट एंड कंप्लीट, तो मुझे उस कमिट में वापस जाना है इस कमिट को करने के बाद, तो वो भी मैं जा सकता हूँ। इसे कहते हैं कि प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ होगी हमें वापस जाना, तो इसको कहते हैं रोल बैक करना, ठीक है, तो यह भी हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं और नहीं आएगी। तो बैक एंड कंप्लीट लिख दिया, मैं कमिट तो मास्टर करूँगा, तो ये जो कमिट है यानी ये जो सारे चेंजेस हो जाएंगे मेरे लोकल सिस्टम पर, ये अभी लाइव गिटहब पर नहीं होंगे, वो तब होंगे जब मैं इसको पुश कर दूंगा, तो मेरे लाइव गिटहब पर भी चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए पुश हो रहा है और ये हो गया है, ये लोडिंग कंप्लीट हो जाए तो ये यहाँ पर पुश हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया पुश, हो गया जल्दी रिफ्रेशिंग हो गया पुश। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, अब मैं जाता हूँ अपने गिटहब पर, अब मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश, जो इस फाइल में मैंने चेंज किए थे वो सब हो जाएंगे। अब मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश, तो ये देखिए ये क्लिक बटन क्लियर बटन आ गया, ये स्ट्रिंग वेयर डेटा आ गया और ये एंट्री में टेक्स्ट वेरिएबल आ गया, ठीक है। तो ये अब तक का हो गया, हमने बैक एंड डिजाइन करना देखा इस वीडियो में, क्योंकि कोड काफ़ी छोटा था मुझे भी पता है, लेकिन वीडियो की लेंथ भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्टली अब ये देखेंगे QR कोड कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो थैंक यू, ये गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड कर लेना desktop.github पर जाकर, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, आपको ये पता है बहुत कम सब्सक्राइबर है, और कमेंट करके बताएं भी आपको कैसा लग रहा, और ये github.com की वेबसाइट है, ठीक है, ठीक है, कमेंट करके आप प्लीज़ बताएं इस वीडियो के बारे में कि कैसा लग रहा, क्योंकि आप ही के कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता। तो इस वीडियो में इतना ही, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी करें। थैंक यू।